नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी AMR एग्ज़ाम के बारे में। क्या बात करने वाले हैं दोस्तों? जैसा कि आप लोगों को पता है कि 50 नंबर का एग्ज़ाम होता है इंडियन नेवी AMR में, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कितने नंबर का क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, किस टॉपिक से कितने नंबर का सवाल आता है, और साथ ही साथ ये भी चेक करेंगे कि हमने कितना कंप्लीट कर लिया है, यानी कि सिलेबस को कितना कंप्लीट कर लिया है। क्योंकि रिवाइज़ करना और जानना कि सही दिशा में हम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आपके एग्ज़ाम की तैयारी के दृष्टिकोण से। तो सब कुछ जानेंगे हम लोग, वीडियो को शुरू भी करेंगे, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आपने इंडियन नेवी AMR के लिए ई-बुक नहीं लिया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर के ले सकते हैं। और सेकंड चीज़ है कि अगर आप चैनल पे नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। और साथ ही साथ अब मैंने PDF सेंड करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ई-बुक सेकेंड वाली भी तैयार हो चुकी है। तो आप हमें इंस्टाग्राम पर जाकर के ज़रूर से ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ID आपकी स्क्रीन पर है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जो एग्ज़ाम होने वाला है अभी नेवी AMR एग्ज़ाम, ये 2019 में ही एग्ज़ाम होगा और इसका फाइनली ज्वाइनिंग होगा 4/2020 में, यानी 4/2020 बैच की वैकेंसी है। चलिए अब नीचे चलते हैं हम और सेक्शन वाइज बात करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए की बात करें अगर हम, तो सेक्शन ए में आता है हमारा मैथमेटिक्स प्लस साइंस, और ये इसमें आपका 25 क्वेश्चन आता है 25 नंबर के लिए। नेगेटिव मार्किंग ऐड होती है 0.25 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, यानी हर एक गलत आंसर के लिए आपका 0.25 मार्क्स जो है डिडक्ट कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब नीचे चलते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ से। मैथ से अगर बात करेंगे तो टाइम एंड लॉस से एक क्वेश्चन आने का चांस रहता है। ठीक है, सेकंड है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। लाभ और हानि से भी यहाँ पे देखिए टाइम एंड लॉस की जगह टाइम एंड वर्क हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, समय और कार्य। तो प्रॉफिट एंड लॉस से अगर बात करें तो दो सवाल आने का चांस रहता है, जहां तक मैक्सिमम अगर बात की जाए तो। नेक्स्ट है हमारा ट्रिगोनमेट्री। ट्रिगोनमेट्री से एक या दो भी आ जाता है कभी कभी, लेकिन ज़्यादा टाइम पे एक ही पूछा जाता है, एक सवाल। नेक्स्ट है हमारा अलजेब्रा। अलजेब्रा से दो से तीन या फिर चार सवाल तक पूछा जा सकता है अगर हम बात करें मैथमेटिक्स के लिए। अगर सेक्शन में बात करें हम तो आपका 25 तो होता है, 25 में अगर बात करें अलग अलग यानी मैथमेटिक्स और साइंस का, तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं 13 यानी 13, और साइंस के क्वेश्चन होते हैं 12, ऐसे ही चलता है, या फिर 14-11 ऐसे ही, इस तरीके से चलता है एग्ज़ाम बाई एग्ज़ाम। नेक्स्ट है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से भी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। सर्ड्स की बात कर रहे हैं यानी कि करनी, करनी से भी एक सवाल पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में। नेक्स्ट अगर हम बात करें परसेंटेज की, यानी कि प्रतिशतता जिसे बोलते हैं, वो भी एक सवाल आ जाता है परसेंटेज से भी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें टाइम एंड डिस्टेंस, यानी कि समय और दूरी, समय और दूरी से अगर बात करें तो एक नंबर का एक सवाल पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछा जाता है, ज़रूरी नहीं कि पूछा जाए, लेकिन चांसेस होते हैं कि आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें तो एवरेज से भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है, एवरेज यानी औसत से, जो कि मैं करवा चुका हूँ, तो इससे भी एक नंबर का सवाल पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में। चलिए आगे अगर हम बढ़ते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इससे भी एक नंबर का सवाल आ जाता है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, SI एंड CI, इससे सवाल आता भी है नहीं भी आता है, कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा अब फिजिक्स आ गया, फिजिक्स आ गया, फिजिक्स में 5 मार्क्स का सवाल। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो उष्मा से सवाल होता है। ठीक है, उष्मा से आ जाता है, उसके बाद अलग अलग यांत्रिक से सवाल आ जाता है, उसके बाद आपका जो है तत्व से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, और इस तरीके से पांच से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम पे पांच सवाल ही आपके पूछे जाते हैं फिजिक्स से। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं तो केमिस्ट्री की ओर, केमिस्ट्री से तीन सवाल तो पूछा ही जाता है, एक आपका अम्लों के बारे में, एसिड्स के बारे में, और इसी तरीके से एक दो क्वेश्चन और आपके आ जाते हैं केमिस्ट्री से। ठीक है, केमिस्ट्री के पार्ट से तीन क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर हम नीचे बढ़ते हैं तो बायोलॉजी की बात करते हैं, बायोलॉजी से पांच प्रश्न आने का संभावना रहता है, कम भी आता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा 6 आ जाएगा फिजिक्स से, 3 आ जाएगा केमिस्ट्री से, और आपका 4 क्वेश्चन आ जाए बायोलॉजी से। लेकिन बायो से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है और काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा कि मैंने करवा रखा है आप लोगों को, तो आप लोग वहाँ से जा करके देख सकते हैं
कि बायोलॉजी कितना ईजी आता है और उसको आसानी से आप कंप्लीट कर सकते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं करवा रखा है, सब कुछ सबका प्लेलिस्ट अलग अलग मिल जाएगा चैनल पे आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, अगर सेक्शन बी की ओर बढ़ते हैं यानी कि जनरल अवेयरनेस। अब थोड़ा हम अगर बात कर ले जनरल अवेयरनेस के बारे में, तो जनरल अवेयरनेस का एग्ज़ाम होता है 25 मार्क्स का, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में आपका आ जाता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, साथ ही साथ आपका खेल और ये सब चीज़ें, सभी जो भी जनरल अवेयरनेस में यानी जनरल नॉलेज में जो भी चीज़ें आती हैं वो आ जाती हैं। ये तो आता है, आप लोगों को पता है, लेकिन टॉपिक इसके लिए भी रखे गए हैं। 25 क्वेश्चंस आते हैं, साथ ही 25 नंबर्स होता है इसके लिए, और इसके लिए भी जो है नेगेटिव मार्किंग लागू होती है। चलिए नीचे चलते हैं अगर हम, तो हिस्ट्री की सबसे पहले बात हो जाती है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो 5 प्रश्न आ जाते हैं हिस्ट्री से। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे कि हिस्ट्री में कहाँ से कौन सा प्रश्न आता है, ठीक है। देखिए जो आपका सबसे पहले, तो अगर हम बात करते हैं एंशिएंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत, प्राचीन भारत से लगभग लगभग 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, 2 क्वेश्चन हड़प्पा काल से वहाँ से पूछा जा सकता है 2 प्रश्न, ठीक है। अब हम अगर मेडिवल इंडिया में आते हैं तो मेडिवल इंडिया में भी 2 प्रश्न जरूर से आ जाता है आपका, मेडिवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत। और लास्ट में आपका जो है मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत, ठीक है, अंग्रेजों से रिलेटेड, क्रांति जो हुई है हमारे यहाँ उससे रिलेटेड, और ये सब प्रश्न आ जाता है। सेकंड जो वर्ल्ड वार हुआ है उससे रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन लेकर के 2 क्वेश्चन, 2 से 3 भी हो जाता है, लेकिन एक भी पूछा जा सकता है, यानी कि 5 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से ज़रूर होंगे। हो सकता है कि यहाँ पर इसके जगह पर एक क्वेश्चन डाल दे जो है, इन तीनों को डाल दे, ठीक है, और साथ में एक क्वेश्चन आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से भी डाल दे, ऐसा भी हो जाता है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री से भी एक सवाल ज़रूर आ सकता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यानी कि 5 से 7 क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं हिस्ट्री से, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम 8 भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो विटामिन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 से 2 प्रश्न विटामिन से भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फुल फॉर्म्स यानी एब्रिविएशन। अगर आप चाहें तो आप करके चैनल पे देख सकते हैं, जितने भी एब्रिविएशन आपके लिए महत्वपूर्ण है वो मैंने करवा रखा है, तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं और देख करके उसका लाभ उठा सकते हैं, उसी में से आपका सवाल पूछा जाएगा, फुल फॉर्म जिसे बोलते हैं, तो 1 से 2 सवाल यहाँ से भी पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर हम पढ़ते हैं तो स्पोर्ट्स की अगर बात आती है, तो यहाँ पर देखिए जो करेंट इवेंट चल रहे होते हैं, यानी कि जैसे वर्ल्ड कप आपका हुआ, क्रिकेट वर्ल्ड कप, साथ ही साथ अभी अगर बात की जाए तो जो पदक जीते खिलाड़ी अभी हाल फिलहाल में, तो उन सब सवालों से भी आपका पूछा जा सकता है, जो कि अभी आगे मैं करवाने वाला हूं आप लोगों को, और साथ ही साथ जो जीके की ईबुक आएगी वहां पे भी, उसमें भी आपको मिल जाएगा वो सब कुछ, ठीक है। तो इससे भी 2 से 3 सवाल पूछा जाता है, या फिर ये भी सवाल आ जाता है कि ये शब्द किस खेल से रिलेटेड है, तो इस तरीके का सवाल आ जाएगा, या फिर आ जाएगा जैसे खिलाड़ियों का नाम दे करके MS धोनी किस खेल से रिलेटेड हैं, इस तरीके से भी सवाल आपका पूछा जाता है, ठीक है। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ इंडिया यानी भारत के प्रदेशों से, भारत के प्रदेशों से 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 से 5 क्वेश्चन आपके भारत के प्रदेश, जैसे कि मान लो किया जाएगा कथकली किस प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है या फिर लोक नृत्य है, तो इस तरीके से आपका सवाल पूछा जाता है। आ जाएगा कि मान लो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, इस तरीके से भी सवाल आ जाएगा। बिहार के गवर्नर कौन है, जम्मू कश्मीर के गवर्नर कौन है, इस तरीके से आपका सवाल पूछा जा सकता है। और अभी तो करंट इवेंट्स भी काफ़ी हाल ही में हुए हैं, तो उनसे रिलेटेड भी सवाल पूछे जा सकते हैं। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो वर्ल्ड से जैसा कि मैंने बोला, वर्ल्ड से 1 से 2 सवाल आपका पूछा जाता है। आगे है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से अगर हम बात करें तो 4 से 5 या फिर 6 बोल सकते हैं, 4 से 6 सवाल पूछा जा सकता है, कहाँ कहाँ से पूछा जा सकता है ये अगर बात करें हम, तो देखिए आपका पहले तो आ जाएगा कि ये भी आ सकता है कि कौन सा प्रदेश आगे है किस चीज़ में, या फिर ये सवाल भी पूछा जा सकता है आपसे अगर ज्योग्राफी की बात की जाए तो, भारत के कितने राज्यों की सीमा चाइना से या फिर पाकिस्तान से, भूटान से, नेपाल से सटती है या फिर मिलती है, इस तरीके से भी सवाल आपके पूछे जाते हैं। मतलब ज्योग्राफी से इसी प्रकार के सवाल आएंगे,
या फिर ऐसे आपका सवाल आ सकता है कि जो है आप कौन सी नदी कहाँ पे है, किस नदी पे कौन सा बांध है, कौन सा सबसे लंबा या ऊंचा बांध है, इस तरीके से सवाल आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोग समझिए। अब अगर हम बात करें संविधान से, संविधान यानी भारत के संविधान से, और इस तरीके के जो संवैधानिक क्वेश्चंस होते हैं उससे रिलेटेड एक से दो सवाल आपका पूछा जा सकता है। जैसे संवैधानिक सभा की अध्यक्षता किसने की थी, और उसी प्रकार से जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं भारत में न्यायाधीशों की, जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, भारत में हाई कोर्टों की संख्या कितनी है, इस तरीके का क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि जो है जो आपका लोकसभा राज्यसभा से रिलेटेड, जैसे कि सबसे ऊंची सदन कौन सी होती है, इस तरीके का सवाल आपके एग्ज़ाम में आ जाता है। या फिर राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, इस तरीके का सवाल। ये जितने भी सवाल मैं बोल रहा हूँ सभी को आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। चलिए, अगर अब हम नीचे चलते हैं तो नीचे कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ। जो एक्सटर्नल है, करंट अफेयर, जो करंट इवेंट्स आपके अभी घट रहे हैं उनसे सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका 370 हटा दिया गया, साथ ही 35A को भी रिमूव कर दिया गया। उसके बाद जो अभी हाल में एक जो हमारी मंत्री थी, पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, उनकी मृत्यु हो गई, और इस तरीके से बहुत सारे जो है सवाल बन चुके हैं। अभी फ़िलहाल में मंत्रिमंडल जो है, नया मंत्रिमंडल तैयार हुआ है, जैसे कि हमारे यहाँ अभी लोकसभा चुनाव कंप्लीट हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये सब अभी मैं करवाने वाला हूँ आप लोगों को। अभी आपके एग्ज़ाम में लगभग लगभग अगर अभी से बात की जाए तो 25 से 28 दिनों का समय बाकी है, इससे ज़्यादा समय आपको नहीं मिलने वाला है, तो इसी में आपको तैयारी करनी है। समझ रहे हैं आप लोग ना? तो इस तरीके से आपका सवाल पूछा जा सकता है। सेकंड चीज़ है कि अगर आप प्लेलिस्ट की बात कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से जा करके जितने भी प्रश्न हैं सभी को अच्छे से देख लो। रैपिड जो सीरीज़ है उसको भी देख लेना, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ मैं, उन्हें भी देख लेना। साइंस और मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट अब मैं करवाना शुरू कर दूँगा, और साथ ही साथ आपकी ईबुक जो है जीके की ईबुक वो कल लॉन्च कर दी जाएगी। कल कब होगी वो मैं बता दूँगा आप लोगों को, कम्युनिटी में भी डाल दूँगा और सभी सोशल मीडिया पे भी शेयर कर दूँगा। साथ ही साथ एक वीडियो बना करके पूरा ट्यूटोरियल बता दूँगा कि कैसे आपको उसको देखना है, कैसे उससे तैयारी करनी है, तो सब कुछ बना दूँगा। अब क्या कर सकता हूँ मैं आप लोगों के लिए, ये आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। वीडियो कैसी लगी ये भी आप लोग ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ अगर कोई सवाल हो, सजेशन हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की जो आईडी है वो आपकी स्क्रीन पर है, और दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के जरूर से ज्वाइन कर लेना। मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो। धन्यवाद। जय हिंद।